रास्ते कितने भी मुश्किल हो, मंजिल तक पहुंचना है। सपने जितने भी दूर लगते हो, उन्हें हकीकत बनाना है। यूपीएससी के साथियों, हौसला न हारो, सपनों की उड़ान का हमेशा साथ निभाओ। इन्हीं पंक्तियों को अपने आचरण में लाकर बने आदित्य श्रीवास्तव यूपीएससी टॉपर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूपीएससी ने कल ही यानी कि 16 अप्रैल को यूपीएससी का रिजल्ट जारी किया है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाले आदित्य श्रीवास्तव जी की जर्नी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीएससी विद वैष्णवी। आदित्य श्रीवास्तव करेंटली पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। उनके पिता अजय श्रीवास्तव सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर वर्क कर रहे हैं और उनकी छोटी बहन न्यू दिल्ली में सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही है। आदित्य ने अपना बचपन लखनऊ में ही बिताया है। 12वीं पास करने के बाद आदित्य ने IIT कानपुर से BTech किया और कुछ दिनों के लिए प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी की है। इसके बाद वह सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने में लगे। बस यही नहीं, साल 2022 में उन्होंने UPSC परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्हें 136 रैंक मिला और IPS और सर्विस मिला। बट आदित्य IAS में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और ऑल इंडिया वन यानी कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाकर IAS बने। उनके साथ साथ 1016 कैंडिडेट्स भी UPSC क्वालिफाई किया। तो ये थी आदित्य श्रीवास्तव जी की कहानी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी।